अब मैं आप लोगों से बात करूंगा अबाउट आयरन मेटाबॉलिज्म। ठीक, वेरी प्रिटी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो ये बायोकेमिस्ट्री में हो चुका है, जस्ट अ ब्रीफ रिवीजन। सबसे पहले आयरन इंजेस्ट होता है, ठीक है, आप आयरन लेते हो, खाने में आयरन मिल सकता है या फिर आयरन सप्लीमेंट्स, फेरस सल्फेट टैबलेट्स, फेरस फ्यूमरेट टैबलेट्स, इनमें आपको आयरन आराम से मिल सकता है। सो इंजेस्टेड आयरन जो होता है दैट इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इन टू द सर्कुलेशन। आयरन लिया, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, वेयर इट इज बाउंड टू ट्रांसफेरिन। सो आयरन हियर इज बाउंड टू ट्रांसफेरिन, देन आयरन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यूज फॉर इनकॉर्पोरेशन इन टू हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड एंजाइम। आयरन लिया, आ गया ट्रांसफेरिन में, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यूज फॉर इनकॉर्पोरेशन इन टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स। या फिर दो इसके फेट्स होते हैं, या तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन एंजाइम्स में चला गया, या फिर इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। ठीक है, या तो यहाँ चला गया हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन और एंजाइम्स में, और इट इज स्टोर्ड एज फेरेटिन, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। ठीक, नंबर टू, फेरेटिन स्टोर्ड। ठीक, 120 दिन जो कि आरबीसी की नॉर्मल लाइफ स्पैन होती है 120 डेज, आफ्टर 120 डेज एरिथ्रोसाइट्स आर डिग्रेडेड बाय द रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, ये जो एरिथ्रोसाइट्स हैं दीज आर डिस्ट्रॉयड बाय रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स एंड द आयरन इज रिटर्न्ड टू द प्लाज्मा। आयरन को प्लाज्मा में वापस कर दिया जाता है, आयरन को प्लाज्मा में या तो वापस कर देंगे या फिर इसको स्टोर कर देंगे। ठीक, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स के दो काम होते हैं, या तो आयरन को वापस कर देना या फिर इसको फेरेटिन स्टोर में वापस डाल देना।